ये कुछ ज्यादा ऊंची नहीं लग रही है? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। हम तो पहले से कह रहे थे, क्या जरूरत थी ये सब करने की? ये मटके नीचे करवाओ, हमारे लोग इतने ऊपर नहीं चढ़ेंगे। बस बात खत्म। राजबन्ना, मटकी की ऊंचाई देख लो पहले, फिर फुलाव इतनी चौड़ी छाती। देख लिया ना, अब चले घर, हमें नहीं करना पार्टिसिपेट। चलो चलो। नहीं अब बेटा, यहाँ आ गए हैं तो पार्टिसिपेट तो करेंगे और जीतेंगे भी। कार्तिक भी नाराज है, अगर वो होता तो भी। होता तो अच्छा होता, नतीजी अब नहीं है तो भी ट्राई करेंगे। हाँ बिल्कुल, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। नहीं हाँ। साल की तरह इस बार भी मटकी फोड़ो के इस कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया है। इसमें कई टीमें भाग ले रही हैं। नेशनल रिकॉर्ड बना चुकी रोनिंग टाइगर टीम हमारे सामने मौजूद है, इनका जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। ये लोग फिर से हंस रहे हैं। ना चिंता ना कर, हंसने दे, देख लेंगे। और नहीं तो क्या, मौका आने तो भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। यश, कंपटीशन तो बहुत टफ है यार। हाँ सच में यार, हंडी के अंदर भरे खजाने की कीमत जो बड़ी है सो बड़ी है, लेकिन इस खेल को दिलचस्प बनाने की भी एक अच्छी कोशिश की गई है, जिसकी वजह से कुछ नियम बदले गए हैं। क्या? नॉर्मल हंडी तो बहुत सालों से हो रही है, लेकिन इसमें इस बार एक नया मोड दिया गया है। क्या? हर टीम को मिलेंगे कुल 5 मिनट। गिरने, संभलने, मीनार बनाने और मटकी फोड़ने तक सिर्फ 5 मिनट। क्या सिर्फ 5 मिनट में? कमाल है, 5 मिनट में कैसे होगा सब? हाँ हाँ, ये तो बहुत मुश्किल हो गया। और दूसरी बात, और कौन सी बात, ये 5 मिनट वाला फंडा काफी नहीं था क्या? मटकी सीधी नहीं लटकी होगी, इस तरह घूमेगी। ऑलरेडी वहां तक चढ़ना इतना मुश्किल था, और अब ये मटकी भी घूमेगी, कैसे पकड़ेंगे और कैसे फोड़ेंगे? इट्स ओके थी, अब जो है सो है। हाँ, आई थिंक अब हमें उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, इतना आगे आके पिछड़ना ठीक बात नहीं है। हाँ, हम सबको ने ऑल द बेस्ट बोलना चाहिए। ऑल द बेस्ट, जीत के आइए सब। हाँ हाँ, जीत के आओ, जाओ जाओ। मनीष, ऑल द बेस्ट। नक्श, थैंक गॉड, डर था कि कहीं ये लोग पीछे ना हट जाए, नहीं तो मेरा प्लान। जिन्होंने मटकी फोड़ ली। अगर जैसे कि पहले भी मैं ये कह चुका हूँ कि जो सबसे कम समय में मटकी फोड़ेगा विजेता उसे ही घोषित किया जाएगा। इन्होंने अपनी मटकी फोड़ी है 4:58 सेकंड में। यदि अब दूसरी टीम इससे कम समय में मटकी फोड़ेगी तो विजेता उसे ही घोषित किया जाएगा। वैसे ही 5 मिनट कम पड़ रहे थे, अब टाइम और कम हो गया है मामा जी। अब अगली टीम आ रही है, हमारी सुपर स्टार टीम। आपकी टीम में एक मेंबर कम है भाई साहब।
हाँ वो एक वो मैं हूं। मैं भी इस टीम का हिस्सा हूं, अब तो सबको हरा कर ही रहेंगे। Come on, let's do it, guys. Yeah, come on. All the best, contact. All the best. Happy Ganpati Jai Kanhaiya Lal Ki. Come on, boy. आराम से। कार्तिक तुम मेरे कंधे पे आ जाओ, कम कम बेटा। देरी कर, हो रहा है, बंद कर। आराम से। तुम ठीक हो? लला सॉरी बेटा, तू ठीक तो है ना? लगी तो नहीं ना नक्श? नहीं नहीं Let's do it again. हाँ हाँ कोशिश कर। कार्तिक तुम यहाँ हो मेरे पास, इस तरफ। Come on नक्श। यार गिर क्यों रहा है? हाँ वही मैं भी सोच रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस के टाइम पे तो आराम से बन रहा था, पर अब क्यों मुश्किल हो रहा है? चलो कोई नहीं, और एक कोशिश करते हैं। या, 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 चलो बनाओ। एक पल सिर्फ नहीं बन पा रही और टाइम निकल जा रहा है। आराम से हिल। Come on, Kartik, you can do it. Come on, Yash. ठीक तो अंकल, आपको लगी? नहीं मैम, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम जाओ, मट्टी फोड़ना बहुत जरूरी है। कार्तिक कीर्ति के लिए, हमारी बहन के लिए दुआ मांगनी है कृष्णा जी से मट्टी फोड़ने के बाद। गो। नहीं, आपका ख्याल रखना ज्यादा जरूरी है सर। नहीं कार्तिक, बच्चों जैसी बात मत करो, 30 सेकंड बाकी है, जाओ। जाने दो अंकल, रहने दो, अब तो हार मान लो। अरे बस करो यार, तुम बुढ़े लोगों की जान ले रहे हो। तुम इनकी बातों में मत आओ, 30 सेकंड बचे, जाओ। तुम्हें जा, तो अकेले जाओ। कार्तिक जाओ, अब यहाँ नहीं जाऊंगा मैं कहीं। Nayana,
अरे ये कैसे, रोको उसे। आप जानते नहीं उसे। तू और ऊपर चढ़ और फिर देखना मैं तुझे कैसे नीचे गिराता हूँ। नायरा नायरा, हमारे पास पिछली टीम से कम टाइम है, उनका रिकॉर्ड तोड़ना पड़ेगा तो ही जीत पाएंगे। मैं हूं नायरा। आप ठीक है ना? अरे बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। वेल डन। चलिए सब लोग मिलके कृष्णा जी से अपनी मटकी फोड़ने का इनाम मांगते हैं। भाई और कीर्ति दी के लिए जिंदगी भर की खुशियां मांगते हैं। जीवन के इस नए सफर में सदा हमारी पोती के साथ रहना प्रभु। भगवान जी, मेरे लल्ला और उसकी पत्नी की जिम्मेदारी अब आपकी है, दुनिया भर का सुख चैन देना उन्हें। आप लोगों की टीम ने प्रदर्शन तो बहुत अच्छा किया, लेकिन हम आपको विजेता घोषित नहीं कर सकते। क्यों? क्यों क्यों नहीं कर सकते? हाँ, क्योंकि आपकी टीम में एक लड़की है। तो क्या हुआ? क्या फर्क पड़ता है? क्या हो गया? अरे ये तो कहीं पर भी मेंशन नहीं था कि टीम सिर्फ लड़कों या लड़कियों की होगी। अरे ये तो हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है कि एक लड़की ने वो कारनामा कर दिखाया जो कई सारे लड़के नहीं कर पाए। बिल्कुल, अगर आप सब राजी हैं तो मैं इस टीम को विजय घोषित करता हूँ। मैं नायरा को टॉफी लेने के लिए स्टेज पर बुलाता हूँ। आइए आइए। अच्छा हुआ मैं मेंढक हूँ, शेर नहीं। अगर शेर होता तो तुम्हारे सामने तो पक्का चूहा बन जाता। ये रिश्ता क्या कहलाता है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।